हेलो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए, आज मैं जो पैटर्न लेके आई हूँ ये मैंने यहाँ पे 3 कलर्स में बनाया हुआ है। तो ये जो पैटर्न है वो सिंगल कलर में भी बनाया जा सकता है, 2 कलर्स में भी बनाया जा सकता है, और यहाँ जैसे आप देख रहे हैं 3 कलर में बनाया हुआ है, 4 में भी बना सकते हैं। अगर आपके पास लेफ़्ट ओवर वूल्स हैं और थोड़ी थोड़ी करके बहुत ज़्यादा है तो आप इस पैटर्न में जो है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये जो पैटर्न है इधर से मल्टी कलर में बना सकते हैं। तो 2 कलर में बनाना है तो उस वैसे भी बना सकते हैं, मैं यहाँ पे 2 कलर में बना के बताऊँगी। जिस तरह से मैं 2 कलर का यहाँ पे बना के बताऊँगी उसी तरह से आप सेम पैटर्न में जो है मल्टी कलर में बना सकते हैं या सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे जो है मैंने जो प्राइमरी कलर जो जिससे मैंने बॉर्डर बनाया है वो मैंने ग्रीन रखा है, उसके ऊपर येलो बनाया है और उसके ऊपर जो है ब्लू बनाया हुआ है, और फिर उसके ऊपर अगेन मैंने प्राइमरी कलर को अप्लाई करके जो है ये ग्रीन बनाया हुआ है, और उसके ऊपर तीनों कलर को रिपीट किया हुआ है। तो आज जो है मैं ये पैटर्न बनाऊँगी। तो इस पैटर्न को जो है बनाना बहुत आसान है, सिर्फ जो है हम 8 रोज़ को देखेंगे, 8 इजी रोज़ हैं, और उन्हीं 8 रोज़ को रिपीट करते करते हम इस पैटर्न को बनाएंगे। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए हमने फंदे जो हैं सारे के सारे इवन नंबर में लेने हैं, 2+2+ इस तरह से, और फ्रंट साइड से हम शुरू करेंगे इसे, और लास्ट जो होगी हमारी रॉन्ग साइड पे होगी। तो आप इस तरह से बॉर्डर अगर बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। और एक और बात, इस पैटर्न को जब आप बनाएंगे तो अगर आप जितने अपने बॉर्डर में फंदे रखे हुए हैं थोड़े से आप उसके बॉर्डर बनाने के बाद जो है कम कर सकते हैं, फंदे रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है वो थोड़ा सा फैलने वाला है, और थोड़ा सा जो प्रोजेक्ट है अगर आपका फंदे आप उतने ही रखेंगे जितने बॉर्डर पे रखें तो आपका ये लूज़ होगा। अगर आपको लूज़ चाहिए तो आप उतने के उतने फंदे रख सकते हैं, अदरवाइज़ आप जो हैं इस पैटर्न के लिए फंदे जो हैं कम डालिए। तो बहुत प्यारा डिज़ाइन है, देखिए इस तरह से मोतीदार जो है रंग बिरंगा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस पैटर्न को बनाने के लिए देखिए, यहाँ पे मैंने हल्का सा ये बॉर्डर जो है तैयार किया हुआ है सेम इसी पैटर्न में जिस तरह से मैंने सैम्पल में बनाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है मैंने इवन नंबर में जो है 14 स्टिचेस कास्ट ऑन करे हुए हैं, और उसी पर मैंने ये थोड़ा सा ही बॉर्डर बनाया हुआ है। और अब जब मैं जब पैटर्न शुरू करूँगी तो उससे पहले देखिए, मैं इसी कलर से 2 सिंपल सिलाइयाँ बना दूँगी। तो पैटर्न की रोज़ 8 रोज़ जो हैं बनाने से पहले हम 2 रोज़ जो हैं इसी वो जिस कलर से हमने बॉर्डर बनाया है उसी कलर के वूल से जो है 2 रोज़ बना लेंगे पहले। तो 2 रोज़ हम इस तरह से बनाएंगे। देखिए पहली रो तो हम सारे के सारे सीधी सीधी बनाएंगे। तो अगर आप डायरेक्ट जो है बॉर्डर बनाने के एकदम बाद इसको पैटर्न को अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा सा क्लियर जो है वो नहीं बनेगा, इसलिए हम जो है क्लियर अपना पैटर्न बनाने के लिए जो है ये सिंपल एक सीधी साइड से सीधी सीधी रो बनाएंगे, और फिर एक रो जो है हम उल्टे साइड पे सारी की सारी उल्टी बनाएंगे इस तरह से। तो 2 रोज हमने इस तरह से बना लेनी है पैटर्न की रोज शुरू करने से पहले। तो ये वाली रो भी हमने कंप्लीट कर ली है, और अब देखिए अब हमने पैटर्न की रो 1 स्टार्ट करनी है। 8 रोज़ को हम यहाँ पे बनाएंगे। तो देखिए जो हमने ये 2 सीधी सिलाइयाँ बना ली है बॉर्डर बनाने के बाद, अब जो है हम इसी कलर से नहीं बनाएंगे, अब हम दूसरा जो कलर हमने लेना है वो लगाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे देखिए मैं 2 ही कलर में बताऊँगी आपको, और सेम पैटर्न में आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये फंदा जो है हम पहला फंदा, क्योंकि अब वूल चेंज कर रहे हैं हम, तो पहला फंदा हम इस तरह से सीधा सीधा बना लेंगे। इस तरह से सीधा सीधा बनाने के बाद अब देखिए हमने धागे को आगे करना है। आगे करने के बाद हम इस तरह से एक और बार जाली डालेंगे, और अब जो है हमने ये 2 आगे फंदे जो हैं इस तरह से साथ में उल्टे बुन लेने हैं। तो अब देखिए स्टिच को छोड़ दीजिए, एक जाली और 2 फंदों को हमने साथ में उल्टा बुनना है, इन्हीं 2 फंदों को हमने रिपीट करते जाना है। तो जाली हम आगे इस तरह से डालते जाएंगे,
और दो फंदों को हम सेम तरीके से इस तरह से दो का एक करते जाएंगे। धागा हम अपनी ओर ही रखेंगे पूरी सिलाई पे। तो ये जाली डालते जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से दो फंदों का एक फंदा करते जाएंगे ऐसे। तो ये दो फंदों का पैटर्न हम रिपीट करते जाएंगे ये ऐसे। और लास्ट में देखिए दो का एक करेंगे ऐसे। और एच स्टिच है इसे हम सीधा बुन लेंगे। तो ये रो वन हमने जो है बना ली है दूसरे कलर से। अब देखिए रॉन्ग साइड पे हम रो टू बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए पहला फंदा तो हमने उल्टा ही बुन लेना है। एच स्टिच हम उल्टा ही बुन लेंगे यहाँ पे, इसे स्लिप भी कर सकते हैं। अब देखिए जो फंदे हमने दो के एक किए थे रो वन पे, वो ये वाला फंदा है। तो अब हमने इसे रॉन्ग साइड पे जो है उल्टा बुन लेना है और धागा दूसरी ओर करके अब हमने जो जाली वाले फंदा बनाया है उसे सीधा बनाना है ऐसे। तो एच स्टिच को छोड़ दीजिए, ये दो फंदे जो हैं हमने जैसे बनाने हैं, जैसे बनाए हैं वैसे ही सारे दो दो फंदे बनाने हैं। तो इन्हीं फंदों को रिपीट करेंगे। देखिए एक फंदा उल्टा बनाएंगे, जाली वाला फंदा सीधा बनाएंगे। तो बेसिकली ये एक सीधा एक उल्टे के पैटर्न में पूरी रो बननी है। जाली वाले फंदे को सीधा बनाएंगे और जो दूसरा फंदा नज़र आ रहा है जहाँ पे हमने पहले दो का एक किया उसे उल्टा बनाना है रॉन्ग साइड पे। तो इस तरह से हम रो टू भी जो है कंप्लीट करेंगे और लास्ट में जो एच स्टिच है उसे हम उल्टा ही बना लेते हैं ऐसे। तो अब देखिए ये जो है, देखिए ये डिज़ाइन जो है हमारा इस तरह से बन के आ गया है। अब रो थ्री बनाएंगे। रो थ्री बनाने के लिए पहला फंदा देखिए स्लिप भी कर सकते हैं। तो इसे हम यहाँ पे जो है वो सीधा जो है हम स्टिचेस को बुन रहे हैं, तो अब चलिए इसे भी बुन लेते हैं। तो ये स्टिच हमने सीधा बुन लिया है और उसके बाद सारी की सारी रो हमने इसी तरह से सीधी सीधी बुननी है। तो सिर्फ बहुत आसान ही डिज़ाइन है और बनने के बाद बहुत ये सुंदर लगता है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो ये रो थ्री हम सारे फंदे नेट कर लेंगे, सीधे सीधे बुन लेंगे। तो ये रो थ्री हम ऐसे बनाएंगे और अब आते हैं रो फोर पे। रो फोर देखिए पहला फंदा हम उल्टा बुनेंगे, स्लिप भी कर सकते हैं और उसके बाद सारे के सारे फंदे ऐसे ही उल्टे उल्टे बना के हमने रो फोर कंप्लीट कर लेनी है। तो ये रो फोर हमने बना ली है और अब हमने दूसरा कलर जो है, अब यहाँ पे आपके पास अगर दूसरा कोई और कलर बचा हुआ है या आप लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं दो कलर में ही बताऊँगी। आपने सेम इसी तरीके से पैटर्न को फॉलो करके मल्टी कलर में भी बना सकते हैं इसे और सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। तो अब देखिए ये चार चार सिलाइयाँ जो हैं हमने एक वूल से बनानी है। आठ रोज़ जैसे पैटर्न की हैं तो चार रोज़ हम एक वूल से बनाएंगे, एक कलर के वूल से, और अगली चार रोज़ जो है नेक्स्ट कलर के वूल से। तो अब देखिए अब आ गए हैं हम रो फाइव पे। अब यहाँ पे हमने कलर करना है चेंज। तो यहाँ पे मैंने दो ही कलर लगाए हैं, तो अब यहाँ पे अपना प्राइमरी कलर जो है जिससे मैंने बॉर्डर बनाया था उसको लगा लूँगी। तो अब देखिए यहाँ पर एक फंदा हमने रो फाइव पर सीधा बनाना है। अब सीधा बनाने के बाद अब देखिए रो यहाँ पे रो वन पे हमने क्या किया था, पहले हमने जाली डाली थी और फिर दो फंदों का एक फंदा किया था। और अब हमने रो फाइव पे थोड़ा सा चेंज करना है। देखिए अब हमने धागा अपनी ओर करने के बाद पहले दो फंदों का एक फंदा बनाना है ऐसे और उसके बाद ऐसे जाली डालनी है। तो यहाँ पे हमने जाली बाद में डाली है और दो फंदों का एक फंदा पहले किया है। तो यहाँ पे जो है इतना सा चेंज है।
तो अगर आप रो वन को ही रिपीट करके यहाँ पे रो फाइव बनाएंगे तो क्या होता है कि जो ये पैटर्न है वो एक ही साइड को जाता जाएगा, इस साइड को ही जाते जाएगा, जिस साइड जाली जाती है उसी साइड ही पैटर्न जो है मूव करता जाता है और पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है टेढ़ा हो जाता है। तो इस चीज़ को बैलेंस करने के लिए, ताकि हमारा जो प्रोजेक्ट है पूरा सीधा सीधा बने, इसके लिए हमने यहाँ पर ये जो है चेंज किया है पैटर्न रो फाइव पे। तो अब इन्हीं दो फंदों को रिपीट करते जाएंगे, दो फंदों को साथ में ऐसे बुनेंगे और फिर जाली डालेंगे, ऐसे जाली, दो का एक जाली, दो का एक जाली, दो का एक जाली। तो अब जो लास्ट फंदा है, देखिए जाली, अब हमने ये फंदा क्योंकि सीधा बुनना है, उल्टा भी बुन सकते हैं, अगर आपने सीधा बुनना है तो अब हम इस तरह से यहाँ पे जाली डालेंगे। तो इसके बाद ये हम सीधा बुन लेंगे। अब देखिए, अब आ गए हैं हम रो सिक्स, सिक्स पर रॉन्ग साइड पे। तो रो सिक्स देखिए अब हम कैसे बनाएंगे। रो सिक्स पहला फंदा हमने देखिए उल्टा नज़र आएगा हमें, इसे हम उल्टा ही बना लेंगे ऐसे। उल्टा बनाने के बाद अब देखिए हम धागा कर लेंगे दूसरी साइड। अब जैसे हमने पहले किया, जाली वाले फंदे को हमने सीधा बुना है और जो जहाँ पे हमने दो का एक किया था वहाँ पे या दिखाई तो हमें सीधा देगा, लेकिन हमने बुनना इसे उल्टा है। तो ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब ये दो फंदे हमने रिपीट करने हैं, एक सीधा एक उल्टा, जाली वाला फंदा सीधा और दूसरा फंदा उल्टा। तो इस तरह से हमने रो सिक्स को पूरा बना लेना है। और लास्ट में देखिए हमारे पास रह जाएगा ये एसेज, इसे भी हम उल्टा ही बुन लेंगे यहाँ पे। तो ये हमारी 6 रोज बन चुकी हैं। अब आते हैं सेवन्थ रो। सेवन्थ रो पे देखिए पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, उस स्लिप भी कर सकते हैं हमने क्योंकि सारे स्टिचेस बुने हैं, तो हम यहाँ पे सीधा बुन लेते हैं और उसके बाद हमने सारे के सारे फंदे जो हैं सीधे सीधे बुनने हैं। अब हमारी ये 7 और 8 रोज जो हैं वो 3 और 4 की तरह ही बनेंगी। अगर ये 3 और 4 रो नहीं बनानी है और 7 8 रो नहीं बनानी है तो ये पैटर्न जो है नज़दीक नज़दीक आता है, लेकिन ये इस तरह से ज़्यादा बेटर नज़र आएगा और जल्दी भी बन जाएगा। तो अब आते हैं हम लास्ट रो पे। तो लास्ट रो पे हमने ये इस तरह से उल्टा बुनना है फंदा, फिर उसके बाद सारे फंदे उल्टे। तो ये हमारा पैटर्न की 8 रोज जो है हमने कंप्लीट कर ली हैं। तो ये इस तरह से बनके तैयार हुआ है, देखिए बहुत प्यारा लगता है। तो अब जो है हमने जो दोबारा जो है ये वाला कलर लगाना है और सेम उसी तरीके से बनानी है ये रो जैसे हमने यहाँ पे शुरू की थी, रो 1 से रो 4, फिर इससे बनाते जाएंगे जो है येलो से हम रो 1 से 4 रिपीट करते जाएंगे और ग्रीन से फिर 5 से 8 रिपीट करते जाएंगे। तो जब हम बार बार इसे बनाते जाएंगे तो ये पैटर्न जो है बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है, जैसे ही रिपीट होता जाता है ऊपर तक चढ़ता जाता है मोतियों की तरह, इसमें जो है रंग बिरंगा डिज़ाइन बनता जाता है। और इस डिज़ाइन की खास बात एक और है कि अगर आप इसे रॉन्ग साइड से देखें तो ये इस तरह से नज़र आता है देखिए, और ये बिल्कुल अच्छा लगता है रिवर्सिबल। अगर आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है तो आप बना सकते हैं। देखिए इस साइड को देख के आप नहीं बोल सकते हैं कि ये उल्टी साइड है, तो ये साइड भी बहुत अच्छी लगती है। दोनों साइड से जो है ये डिज़ाइन बहुत अच्छा बनके तैयार होता है। तो
ये देखिए बहुत अच्छा डिज़ाइन जो है बनके तैयार हुआ है। अगर कलर जो है आप अपनी पसंद के और जो है मैच करके लगाना चाहते हैं इसमें तो वैसे कर सकते हैं। मेरे पास जो अवेलेबल थे वो मैंने इसमें लगा लिए हैं, तो लेफ्ट ओवर वूल्स को भी आप इसमें लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं, पैटर्न्स पसंद आते हैं, एंड लाइक भी कर दीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।